हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी और साथ के साथ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, इन डिटेल क्वेश्चन समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इनमें से कौन सा हैज बीन प्रपोज बाय एनसीएफ 2005 फॉर करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस के करिकुलम बनाते हुए कौन सा ऐसा है पॉइंट जो कि एनसीएफ में 2005 में डाला गया है। नॉलेज को कनेक्ट करना है स्कूल से, मतलब रियल लाइफ से भी, आउटसाइड द स्कूल का मतलब है। ये नहीं है कि किताबी कीड़ा बनना है। जो नॉलेज उसने सीखी है, जो साइंस के कॉन्सेप्ट सीखे, उसे रियल लाइफ में भी कनेक्ट करना है। लर्निंग टूवर्ड्स रोट मेथड। रोट मेथड का मतलब होता है कि सिर्फ क्रैम करना है, करिकुलम को एनरिच करना है और बुक से पढ़ाई करनी है, या फिर एग्जामिनेशन को हार्ड बना देता है। सो द करेक्ट आंसर इज, एनसीएफ ये चाहता है कि बच्चा जो है वो नॉलेज को कनेक्ट करे अपनी आउटसाइड वर्ल्ड से भी, रियल वर्ल्ड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट एस्टैब्लिश्ड एंड यूनिवर्सल लॉज ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। इसके कहने का मतलब ये है, जितने भी लॉज आज तक साइंस में बने हैं वो ये बोलते हैं कि जब जब उस सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन आने की जरूरत होगी, जब जब कोई न्यू ऑब्जर्वेशन की गई होगी या कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और उसको एनालाइज किया होगा, तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, क्या हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, या फिर आधा सच है आधा फॉल्स है। देखिए, आपने कोई एक जो ऑलरेडी एक लॉ गिवन है, उस लॉ के अंदर मॉडिफिकेशन कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन है ना, तो हम उसको मेटल्स के अंदर काउंट करते हैं और ना ही हम उसको नॉन मेटल में काउंट करते हैं, राइट। तो उसके बारे में जब जब कोई भी नॉलेज गेन होगी, तब तब हम उसको उसके अंदर जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसके अंदर हमेशा मॉडिफिकेशन हो सकती है। सो दिस इज द ट्रू वन इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स आर इंक्लूडेड इन। इंटरेस्ट और एटीट्यूड किस में इंक्लूड है? स्कॉलेस्टिक एरिया में, नॉन स्कॉलेस्टिक। स्कॉलेस्टिक एरियाज वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है। नॉन स्कॉलेस्टिक के अंदर जैसे बच्चे गेम्स में है, बच्चे का कोई स्किल है, कोई भी स्किल हो सकता है उसका, कुकरी उसे पसंद है, क्रिकेट उसे पसंद है। इंटरेस्ट इज स्कॉलेस्टिक एंड एटीट्यूड इज नॉन स्कॉलेस्टिक। नहीं, इंटरेस्ट इज नॉन स्कॉलेस्टिक, ये भी गलत हो गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे के इंटरेस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज, नहीं बेसिकली उसकी वो स्कॉलेस्टिक लर्निंग, जो उसके स्किल्स रहेंगे वो सारे किस में आ जाते हैं? नॉन स्कॉलेस्टिक। प्रिडिक्ट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन वर्क फॉर, जो प्रिडिक्ट है वो सबसे अप्रोप्रिएट किसके लिए होगा? नॉलेज ऑब्जेक्टिव के लिए, या फिर एनालिसिस ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, या फिर एप्लीकेशन के लिए? आप बोल रहे हो किसी चीज को प्रिडिक्ट करना है, तो प्रिडिक्ट के लिए आप सबसे बेस्ट यूज करेंगे एनालिसिस, कि आपने उसका क्या किया है, एनालिसिस किया है, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू बी यूज्ड एज द अपर प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस। कौन सा इसमें से करेक्ट मेथड है जो कि अपर प्राइमरी लेवल में यूज होगा? पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर कंक्लूड करेंगे, या सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाइपोथेसिस तो पहले आप लिख ही नहीं सकते, है ना। सो डी वन इज द करेक्ट आंसर। पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर आप किसी भी कंक्लूजन पर आ जाएंगे। सॉरी, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आप उसकी हाइपोथेसिस निकालेंगे एंड देन कंक्लूजन करेंगे। ये दोनों सेम सेम थे, सिर्फ एक ही इसमें चेंजेस थे, राइट। सो ए वन इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स? ऑडियो विजुअल एड्स वो एड्स होती है जिसमें साउंड भी सुन रही है और पिक्चर भी आ रही है, तो उसके लिए कौन सा ट्रू है? ऑडियो विजुअल एड्स इंटरेस्ट बनाती है बच्चे का, एक मोनोटनी से बच्चा, जैसे कई बार आपने उसको कुछ मॉडल दिखा दिया, कई बार आपने उसको क्या किया, मॉडल के साथ साथ आपने उसको कभी वीडियो दिखा दी, कई बार आपने फ्लैश कार्ड दिखा दिए, तो ऑडियो वीडियो में क्या होता है, बच्चा एक ही तरीके से पढ़ रहा है, उसकी जो मोनोटोनी है वो ब्रेक होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से और पढ़ सकता है। अगर आपको कोई बोलेगा सिर्फ बुक से पढ़ना है, ठीक है, तो आप बोर हो जाओगे, बट अगर आपको कोई बोलेगा कि कभी बुक से पढ़ लो, कभी मॉडल को रेफर करो, कभी चार्ट से रेफर करो, कभी आप वीडियो देख लो, है ना, तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक मोनोटोनस वे में जो आप करते हो वो चीज ब्रेक हो जाएगी। लर्निंग एक्सपीरियंस बिकम फार मोर कंप्लीट ऑल ऑफ द अबव। लर्निंग एक्सपीरियंस आपका पक्का हो जाएगा, मतलब आपने जो नॉलेज गेन किया वो रिटेन हो जाएगी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टीचिंग ऑफ साइंस द डिस्कशन मेथड इज बेस्ड ऑन, डिस्कशन मेथड किस पे बेस्ड है? फ्री एक्सप्रेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, लर्निंग बाय लिविंग पे, या ऑल ऑफ द अबव? देखो डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि बच्चा अपनी नॉलेज को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लर्न कर रहा है काम करके, लिविंग के लिए भी. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन हिंड्रेंस, कौन सी मेन हिंड्रेंस है, रुकावट है इन द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग साइंस? टीचिंग करते हुए साइंस की सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या हो सकता है? इकोनॉमी, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लैक ऑफ फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स को ट्रेन नहीं किया गया, ऑल ऑफ द अबव. सारी चीजें हैं ठीक है. अगर आपके पास कोई मॉडल या कोई माइक्रोस्कोप नहीं है तो फाइनेंशियली भी आप ये बोल सकते हैं कि आप बच्चों को उतनी अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे. अगर आप कोई उनको वीडियो दिखा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया तो भी ठीक है. उसके बाद ऑडियो विजुअल के साथ साथ विजुअल एड्स भी हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप हो गया या कोई चार्ट्स वगैरह हो गए. चार्ट्स वगैरह भी तभी आएंगे ना जब आप फाइनेंशियली स्कूल या जहां भी आप पढ़ा रहे हैं वो क्या एक स्टेबल है. ट्रेन टीचर नहीं है, वो भी एक हिंड्रेंस है. तो सारे के सारे क्या होंगे इसके अंदर करेक्ट होंगे. तो द डी वन इज द करेक्ट आंसर. एंड टीचिंग टॉपिक वेइंग मशीन, वेइंग मशीन आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपने यू विल यूज अ साइंस, द मेथड यू विल यूज एज अ साइंस टीचर. साइंस टीचर होते हुए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? लेक्चर देके बता दोगे ये वेइंग मशीन होती है ठीक है. आपके पास वेइंग मशीन नहीं है, बस आप उसके बारे में दो तीन लाइंस या जो भी आपको पता है आप लेक्चर देके बता देंगे, प्रोजेक्ट करवाएंगे, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन में आप एक वेइंग मशीन लेकर आएंगे, फिर बच्चों को बोलेंगे वे करिए ठीक है अपना वेट राइट. और उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसका वेट किलो में है उसको ग्राम में कन्वर्ट करिए राइट. इस तरह या ग्राम में है तो उसको किलो में कन्वर्ट करिए राइट, या फिर डिस्कस कर लेंगे सर. सो बेस्ट आंसर विल बी द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड राइट. जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज, जेंडर सेंसिटाइजेशन स्कूल करिकुलम में क्या इम्प्लाई करता है? चिल्ड्रन शुड बी डिफरेंशिएट, चिल्ड्रन को बॉयज और गर्ल्स अलग अलग कर देनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन प्राइमरी स्कूल से शुरू कर देनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल अप्रोच होनी चाहिए, या फिर को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए हाई स्कूल में. अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करें ना तो जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें हम रिस्पेक्टफुल मेथड से बच्चे को उसको लर्न करवाएंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई होगी राइट. जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.